बोला कि मुझे 20 लाख दहेज मिल रहे हैं, एक गाड़ी मिल रही है और बहुत सारा सोना मिल रहा है। इतना इतना लोभ तो किसी को भी, देखिए फोटो दिखाने के पीछे इनसाइड इनसाइड एक ऑफर था कि इतनी सारी लड़कियों के तरफ से मुझे 20 लाख रुपए का ऑफर आ रहा है, यदि तुम 20 लाख रुपया अरेंज कर लेती हो तो तुम्हें भी मौका तो 20 लाख बोल रही खर्च कर दी। नमस्कार दोस्तों, देखिए अभी हम नारायणी शक्ति फाउंडेशन के ऑफिस में हैं और हमारे साथ सरिता मैडम है और हमारे साथ एक लड़की मौजूद है। आजकल सबसे ज़्यादा एक फैशन बन गया है लिव इन में रहना, और यह लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ लिव इन में 12 साल से कहीं ना कहीं रह रही थी और दोनों दिल्ली में रह रही थी। बाकी सारी कहानी ये खुद बताएंगी और बहुत ज़्यादा परेशान है। और आज लड़का को जॉब लगने के बाद जो है कि लड़का लड़की को छोड़ देते हैं और बोलते हैं कि अब हम तुमसे शादी नहीं करेंगे। शादी का झांसा देखे, मतलब 12 साल से वो रिलेशन बना रहे थे। इनसे बात करेंगे। क्या हुआ नाम आपका? सर मेरा नाम पल्लवी है। कहाँ से आए? सर मैं दिल्ली में रहती हूँ। क्या करते हैं दिल्ली में? पढ़ाई कर रही हूँ सर। घर कहाँ हुआ? सर घर बेगूसराय साइड हुआ है। बेगूसराय? यस सर। अच्छा, दिल्ली में किस चीज़ का काम करते हैं? पढ़ाई करते हैं, काम करते हैं? नहीं सर, पढ़ाई कर रही थी अभी जस्ट। मेरी पढ़ाई कंप्लीट हुई है। अच्छा। वहाँ पे मतलब था एक कोर्स था, वही मैं करने गई थी। तो इस लड़के को ये इसका नाम जो है विनय कुमार है और इसकी जॉब जो है इसी अप्रैल में 18 अप्रैल 2024 को ASO के पोस्ट पे पटना हाई कोर्ट में लगी। अच्छा। और मई तक हमारी बहुत अच्छी तरीके से बात हुई है। अच्छा। 5 मई तक बहुत अच्छे से बात हुई है। 5 मई के बाद कुछ प्रॉब्लम्स आ गई जिस वजह से मतलब थोड़ी बहुत लड़ाई हुई। अच्छा। उसके बाद ये सब चीज़ तो एक रिलेशनशिप में चलता रहता है, नॉर्मल सी बात है। फिर उसको पता नहीं क्या हुआ, उसके बाद उसने बात करना कंप्लीट बंद कर दिया। बंद कर दिया। अच्छा, पहले आप शुरुआत से बताइए, उनसे आप मिले कैसे, कैसे बात हुई, कैसे प्रेम हुआ, कैसे आप लोग साथ रहना शुरू किए? क्या आप आपकी फैमिली इसमें इन्वॉल्व है, उनकी फैमिली इन्वॉल्व है? ये सर कब मिले थे उनसे? सर मैं उससे 2014 में जून जुलाई के आसपास मिली थी। कहाँ? और कैसे? यहाँ नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी है ना पटना। अच्छा। तो वहाँ पे मैं ग्रेजुएशन करने के लिए गई हुई थी। मैं अपनी बहन के साथ गई हुई थी, तो ये भी आया था 2013 के सेशन में, इसने एडमिशन लिया था 13 से 16 वाले सेशन में, तो मैंने भी लिया था सेम। तो कोइंसिडेंस समझिए कि मेरा और इसका जो है सब्जेक्ट सब कुछ सेम था, ज्योग्राफी पॉलिटिक्स उसके बाद हिस्ट्री वगैरह जो भी सब्जेक्ट मैंने लिए थे सब कुछ सेम था। तो मतलब फर्स्ट डे ऐसा हुआ कि फर्स्ट डे में ही हमें हमारी सीट नहीं मिल रही थी। okay. क्लासरूम में जैसे हम एंटर किए तो रोल नंबर भी मुझे आई थिंक याद है, मेरा शायद लास्ट डिजिट 50 था, मेरी बहन का 49 था और इसका 39 था। अच्छा। ठीक है। और उसके बाद मेरी बहन को सीट नहीं मिल रही थी, मुझे लगा कि मेरी बहन को सीट मिलेगी तो वो जस्ट मैं उसके आगे या पीछे कहीं होंगे। तो ये लड़का उठ करके खुद आया, सीट बताया कि ये आपकी सीट है, आप आके बैठ जाइए। मेरी बहन बैठी और मैंने देखा कि मेरी सीट उसके जस्ट पीछे है, 50 थी मेरी, तो मैं बैठ गई। ठीक है, उतना डीप में नहीं जाना। उसके बाद सर हमने एग्ज़ाम दिया 2014 में, मतलब रिजल्ट आया हमारा। फिर रिजल्ट आया तो क्या हुआ कि मेरी बहन जो है जो मेरे साथ थी वो फेल हो गई, उसका रिजल्ट नहीं आया और मेरा आया। तो फिर हमने नंबर एक्सचेंज किया एक दूसरे से, ऐसे ही मतलब क्लासरूम में स्माइल हो गया हमारा, बातचीत मतलब एक दूसरे को देखते थे तो थोड़ी बहुत हो जाती थी। वो अपने दोस्तों के साथ आता था, मतलब फ्रेंड बने। हाँ, फ्रेंड बने, नंबर एक्सचेंज हुआ हमारा। इससे पहले आप उनको जानते थे? नहीं बिल्कुल। वो आपको जानते थे? बिल्कुल भी नहीं। okay. कोई मतलब कोई रिलेशन ही नहीं, क्योंकि वो सर शिवहर का है और मैं कहीं और से हूँ। अच्छा। तो कोई मतलब ही नहीं है, वो तो मतलब भगवान का जो भी है करिश्मा है जो भी है कि हम उसी कॉलेज में मिले। उसके बाद जो है 2014 के बाद हमारी बात होनी शुरू हुई और वो सामने से मुझे कॉल करना शुरू किया। हाँ। मैंने बहुत अवॉइड किया कि मुझे मतलब ये सब चीज़ में पढ़ना नहीं है। वो बार बार प्रपोज करता रहा, मैं बार बार उसको रिजेक्ट करती रही, कभी मैंने उसको हाँ नहीं किया। लेकिन 2016 में ऐसा हुआ कि मैंने मतलब क्योंकि 2 साल का काफ़ी टाइम हो गया, हम बात करते थे रात रात में, तो लगा कि हाँ चलो लड़का ठीक है, मैं मतलब हाँ मैंने कर दिया। उसके बाद सर हमारा जो रिलेशनशिप आगे बढ़ा, हम बात करते थे, मिलते थे, सब कुछ होता था। 2016 में जी एक्सेप्ट किए उनको? जी। हाँ, क्या तो बोल के एक्सेप्ट किया? उसने प्रपोज किया, तीसरी बार वो प्रपोजल था उसका 2014 से 2016 के बीच में। अच्छा। तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि मैं भी कहीं ना कहीं मुझे भी उसकी आदत हो गई थी। तो मैंने उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट किया और फिर किसी वजह से मैं पटना आई। तो फिर जो भी एक होता है बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बीच जो भी है वो सब मतलब नॉर्मल सी बात है आजकल के टाइम में। मतलब हमारा था कि मैंने उसको फर्स्ट डे बोला था कि शादी करोगे मेरे से, तो उसने बोला कि हाँ मैं करूँगा शादी। फिर 2017 में मतलब उसके बाद में फिर कोलकाता, 17 में नहीं मतलब मैं कोलकाता 15 में ही चली गई थी। मैंने फिर किसी कोर्स के लिए एडमिशन लिया था तो मैं कोलकाता चली गई। फिर कोलकाता से आना होता था मेरा पटना, वो भी कोलकाता जाता था मतलब मिलने के लिए एक दूसरे से।
एग्जाम के पर्पज से हाँ। मतलब एग्जाम में भी सेंटर वो ऐसा और सब चीज मम्मी पापा सबको परिवार को फैमिली को पता था दोनों में? मेरी बहन लोग को पता होता था और उसकी फैमिली को भी पता होता था उसकी हाँ। दीदी जानती थी उसकी मम्मी जानती थी उसके पापा सबको ही जानते थे कि वो लड़का मेरे पास आया मेरे फ्लैट पे रुका है ऐसा था क्योंकि कोलकाता में भी मेरा फ्लैट था तो मतलब फैमिली रिलेशन हमारा था हम बात करते थे वीडियो कॉल पे सब कुछ होता था 2018 में जब मैं वापस पटना आई एग्ज़ाम देने के लिए मतलब प्रिपरेशन करने के लिए किसी और एग्ज़ाम के पर्पज़ से आई 2018 में इसके पापा पटना पीएमसीएच में एडमिट थे ये अपने मम्मी पापा से मुझे 2018 में मिलवाया 2018 कहाँ पर मिले वही पटना पीएमसीएच हॉस्पिटल क्या बोल के मिला उसने पता नहीं क्या बोला उसने ये बोला था कि मतलब उसने मिलवाया मुझे कि मम्मी ये नेहा है और उसने मिलवाने के बाद मुझे ये बोला कि मैं तुम्हें इसलिए मिलवाया हूँ क्योंकि मुझे मिलवाना था और तुम जो है कपड़े थोड़े अच्छे से पहन के आना सूट उट पहन करके आना ताकि वो मतलब शादी के पर्पज़ से उसने मुझे मिलवाया था बाद में उसने मुझे और उसके पापा से फिर मेरी बात होनी शुरू हो गई उसके बाद से नंबर एक्सचेंज हुआ हमारा फिर 2-3 घंटे में उसके पापा से डेली रात में जब भी वो उसके पापा कॉल करते थे तो मैं बात करती थी उसके पापा खुद सामने से बोलते थे कि बेटा मैं तुम्हें अपनी बहू बनाऊँगा हाँ, उनके पापा खुद बोलते थे ये चीज हाँ, अगर उनके पापा से पूछा जाए तो आप झूठ बोले सच बोले मुझे नहीं पता सर बट वो बोलते थे बेटा मैं तुम्हें अपनी बहू बनाऊंगा हाँ, ये सारी चीजें हमारी होती थी हाँ, मेरे फैमिली को सब कुछ पता है उसके फैमिली को सब कुछ पता है और आज का टाइम ये है कि मैं फिर 2019 में दिल्ली चली गई हाँ, फिर से पढ़ाई करने के लिए मतलब कहाँ था वो सर पटना में रहता था वो शुरू से ही पटना में था फिर 2019 में मैं दिल्ली मेरा वो शुरुआत से ही पटना में ही रहा और अभी भी पटना में ही है और आप पटना से कोलकाता कोलकाता से दिल्ली चले गए जी और आप लोग फिर भी इतना दूरी होने के बावजूद भी आप लोग मिलते थे एक दूसरे से वो आता था मेरे पास मैं उसके पास आती थी ऐसा था मैं कभी पटना आई कभी वो मेरे पास दिल्ली गया इस तरीके का रिलेशन था और सब कुछ मेरे पास है मेरे दोस्तों के साथ मिलने का मेरे दोस्त लोग ऐसा नहीं ना कि आप दिल्ली अगर गए तो वो दिल्ली भी जाके साथ रहना रहने लगा कोलकाता भी बिल्कुल कोलकाता आता था 2-3 दिन रुकता था मेरे पास कोलकाता जाता था कभी कभी दो तीन दिन रुकता जब भी एग्जाम पर्पज से गया हाँ। 2-3 दिन रुका हाँ। दिल्ली भी गया तो दिल्ली में भी हम मतलब दिल्ली में तो मैं हॉस्टल में रहती थी लेकिन मिलना जुलना हमारा होटल वगैरह में होता था ये था उसके बाद मैंने दिल्ली में फ्लैट लिया फ्लैट में वो मेरे साथ 8 दिसंबर से लेकर के 27 दिसंबर तक मेरे साथ मेरे रूम में रहा है वो ईयर बताइए 2023 से 2023 8 हाँ, दिसंबर से लेकर के 27 दिसंबर 2023 तक मेरे साथ रहा है दिल्ली में और उसके बाद उसकी जो है दोनों दिसंबर ही आप बोल रहे हैं जी तो 2023 बोल रहे हैं ना 2023 20 डेज वो मेरे साथ दिल्ली में रहा है मेरे हाँ, फ्लैट पे सेम हाँ, रूम में हम रहे अच्छा, हैं मेरा ये कहना है उसके बाद उस टाइम भी मैंने बोला कि अब शादी के लिए घर में बात करो तो वो जा रहा था मुंबई उसकी जॉब लग गई किसी पोस्ट ऑफिस में किसी पोस्ट पे लगी थी मुझे उतना याद नहीं अभी और पोस्ट ऑफिस में वो 27 को निकल गया तो बोला कि ठीक है मैं घर जाके बात करता हूँ मैं बोली हम बहुत आगे निकल चुके हैं अब बहुत टाइम हो गया बहुत लंबा रिलेशन हो गया 2014 से 2024 आ गए मतलब 10-11 साल हो गया हमारा तो अब शादी की बात करो तो उसने बोला ठीक है मैं घर जाके बात करूंगा मतलब मम्मी से बात करूंगा इतना दिन में आप बीच में नहीं बोले कि अब शादी कर लेते हैं जैसे 2014 में मिले 26 में उनका 16 में उनका प्रपोजल एक्सेप्ट किए तो उसके बाद जब 2-4 साल आप लोग साथ रहे 16-4 20 हो जाता है इधर 24 हो जाता है 8 साल हो गया तो ये 4 साल काफ़ी होता है लड़की के लिए तो इस बीच में आप नहीं बोले कि चलो अब शादी कर लेते हैं हम लोग इस बीच में मैंने बोला था कि मतलब शादी कर लेते हैं और उसने भी बोला कि बहुत बार उसने भी बोला कि शादी कर लेते तो मैं मतलब वो भी बोलता था कभी पहले करियर देख लेते हैं शादी तो करना ही आज नकल मुझे इतना ज़्यादा ट्रस्ट था कि शादी आज नकल होनी है 2016 में मेरा हाथ पकड़ करके वो हनुमान मंदिर लेकर के गया है कि चलो मैं तुम्हारे मांग में सिंदूर डाल देता हूँ 2016 की ये बात है नहीं 2016 नहीं 2018 की बात है अच्छा 2018 जी पटना हाँ। लेकिन मैं बोली कि अभी मैं पढ़ाई कर रही हूँ तो सिंदूर दे दोगे वो तो सही है लेकिन कुछ प्रूफ भी तो होना चाहिए कि मेरे मांग में सिंदूर तुमने दिया है कल को क्या पता तुम मतलब बोल दोगे कि नहीं ऐसा तो मैंने कुछ किया ही नहीं है तो मुझे मेरा था कि मैं अपने फैमिली की मर्जी से करूँ मैं गलत नहीं स्टेप लूँ मेरा ये चीज़ था लड़का का क्या नाम है लड़का का नाम है सर विनय कुमार पोस्ट पे है पटना हाईकोर्ट में उसकी जॉब है घर कहाँ है उनका अब घर उसका डिस्ट्रिक्ट सिवर है और घर हिरोता है हिरोता गांव है हिरोता गांव उनके पिताजी का नाम पिता का नाम राजेश श्रीवास्तव जी माँ का नाम मालती देवी है हाँ, अच्छा कितना दिन हुआ है आपका बातचीत बंद हो गया है और वो अब शादी करने के अभी मैं उसी से मिलने आई थी दिल्ली से यहाँ पे आई हूँ 22 तारीख को हमारी लास्ट बात हुई है 22 जुलाई 2024 22 जुलाई को वो यही नागरमल में मेरे से मिलने आया था बाइक से शाम के टाइम में 7:30 के आसपास अगर आप वहाँ पे भी सीसीटीवी कैमरा अगर होगा निकला हुआ तो आप देख सकते हो मेरे साथ निकल सकता है
वो मेरे साथ था। हम 15-20 मिनट एक साथ रहे उसी रोड पे, गोलगप्पा लगा हुआ, तो वहीं पे हम खड़े होकर बात किए। बात किए, उसकी मम्मी का बार बार फ़ोन आ रहा था, वो फिर बोला कि मैं तुमसे फिर टाइम निकाल के बात करता हूँ, हम बात करेंगे इस मैटर में। फिर क्या वजह हुआ कि वो आपसे अब बात करना नहीं चाह रहे हैं, शादी करना नहीं चाह रहे हैं? सर मुझे कोई आइडिया नहीं है कि क्या मैटर है, नहीं है वो मेरे से शादी से। उसका जॉब लग गया, उसने बात ही नहीं करी ना मेरे से। क्या उसका जॉब लग गया इसलिए? मुझे तो यही लग रहा है क्योंकि मैं बता रही हूँ, चाह रहा है कि और कहीं उनके शादी करे, उनको दहेज मिलेगा। मैं बता रही हूँ आपको, मैं 20 तारीख को आई, 19 को मेरी टिकट थी दिल्ली से, मैं 20 को यहाँ पहुँची और 20 को पहुँचते ही मैं सबसे पहले उसके रूम पे गई। मैंने इसकी माँ को कॉल किया, इसकी माँ मुझे खुद आई थी नीचे लेने के लिए, चलो बेटा रूम चलो। मैं गई रूम, मैं इसकी माँ के लिए साड़ी भी लेकर के आई थी दिल्ली से खरीद करके, मेरे पास वो भी प्रूफ है, साड़ी लेकर के आई थी। और मैम मैंने इसकी माँ को अब तक मैं 2-3 साड़ी दे चुकी हूँ, साड़ी चूड़ी, मतलब एक होता है कि सास को जैसे ट्रीट किया जाता है। अच्छा, मतलब ये लड़का के माँ को आपके रिलेशन के बारे में सब कुछ पता जी था? मैम अब वो डिनाई कर रहा है कि। और लड़का के पिता को? लड़का का पिता खुद बोलता था कि मैं तुम्हें अपनी बहू बनाऊंगा। देखिए, अच्छा जब ये है बातें थी, अभी मान के चलिए आपके जो बॉयफ्रेंड है जो भी हैं वो बात नहीं कर रहे थे, क्या आप उनके फैमिली से बात किए तो उनका क्या कहना है? सर ऐसा एक इंसान नहीं है जिससे मैंने बात करने की कोशिश नहीं करी। क्या कहना है? मैंने उसकी दीदी को कॉल किया, उसके जीजू को कॉल किया, उसके जीजू को नहीं पता था, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, उसके जीजू नहीं जानते थे कि ऐसा ऐसा कुछ है। मैंने उसके जीजू को कॉल किया, जीजू ऐसी ऐसी बातें हैं, तो उसकी दीदी क्या बोल रही है, मतलब उसकी दीदी जान रही है कि मेरा भाई किसी लड़की के रूम पे गया है, उसके साथ है, उसी रूम में रह रहा है। उसके बाद उसकी दीदी क्या बोल रही है, हम तो जान रहे हैं कि तुम्हारा तो भाई बहन का रिश्ता है, सुन रहे हैं, मतलब सोच देखिए, तुम उसकी बहन के लिए भी मैंने चूड़ी वगैरह खरीद करके कोलकाता। प्रॉब्लम मैडम खड़ा होने से पहले वो एक ही शब्दों से प्रॉब्लम को खत्म कर दिया। होती है, महिलाएं ही महिलाएं के दुश्मन है, शायद एक लड़की एक महिला होकर भी महिला के पीड़ा को नहीं समझ सकी। मैंने उसकी दो दीदी से बात करी मैम, उसके जीजू से बात करी है, उसके बाद उसकी मम्मी उस लड़के में अभी तक कोई आपके सपोर्ट में? कोई नहीं मैम, एक मेंबर नहीं। सासू माँ क्या बोल रही है, जो लड़का की माँ है? लड़का की माँ, क्या स्टोरी बता रही हूँ मैं आपको, 20 जुलाई की मैं गई सर उससे मिलने के लिए 3:30-4 के आसपास, मेरी बहन खुद गई है छोड़ने के लिए उनके घर पे। घर पे उस जहाँ पे वो रह रहा है अभी, उसका खुद का घर नहीं है, उसने रूम रेंट पे ले रखा है, राजीव नगर में रहता है, रह रहा है। अभी का मैं मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन जिस दिन मैं 22 के बाद उससे नहीं मिली हूँ। अच्छा, 22 के बाद मेरा उससे कोई कांटेक्ट नहीं है। उसने खुद सामने से कॉल किया, गाली देने के लिए कॉल किया हो कि तुमने इधर उधर फोटो फैला दिया, तुमने इधर उधर बात कर ली, मेरा इमेज पूरा खराब कर दिया, उसने सामने से मुझे कॉल किया है। सबूत में क्या है? सबूत में मेरे पास सब कुछ, आपको क्या चाहिए? रिकॉर्डिंग चाहिए, फोटो चाहिए, फोटो ये भेजी हुई थी, बहुत सारा फोटो भेजी हुई है, वो स्क्रीन पे हम डाल देंगे। अच्छा हाँ, लेकिन देखिए कुछ इस तरह, हाँ बहुत सारा फोटो जो है यहाँ दी हुई है और मुझे भी भेजी हुई है, तो वो हम फोटो आपको दिखा देंगे, बहुत सारा कॉल रिकॉर्डिंग व्हाट्सएप चैट जो भी होता है, बहुत सारी चीज़ें ये दी है, जिससे यह जाहिर होता है, यह जिससे कि प्रूफ होता है कि हाँ ये दोनों रिलेशन में थे, जैसे भी थे 12 साल से एक दूसरे के साथ थे। हमारे संस्था में इस तरह के कई फोटो आ चुके हैं जिससे साबित हो रहा है कि ये लड़का इनके साथ रिलेशन में था। जिस फोटो को अभी मैं नहीं दिखाना चाहती हूँ क्योंकि सबसे पहले मैं उनसे मिलूँगी, हो सकता है कि किसी कारणवश वो लड़की से भी नहीं मिल पा रहे हो, और शायद मिले लड़की को स्वीकारे, तो इसलिए ज़्यादा इस चीज़ों को मैं ओपन नहीं कर पाऊँगी। आप उनके देख लीजिए, मैं आपको दिखा नहीं रही हूँ, अगर इस वीडियो के माध्यम से वो भी समझना चाह रहे होंगे तो कई उनके पास मतलब उनका इस तरह का फोटो है जो ये साबित कर सकता है, हाँ ये साबित कर सकता है कि लड़की के साथ वो लिविंग रिलेशनशिप में थे। और कहीं ना कहीं कोई भी लड़की जब लिविंग रिलेशनशिप में जाती है पढ़ाई के दौरान, तो उसको यही सहमति दी जाती है कि मैं तुमसे शादी करूँगा, तो शादी का प्रलोभन देकर एक महिला का शोषण कर लेना एक कहीं से भी जायज नहीं है। और इस नाजायज हरकत के लिए बहुत जल्दी उनको हम अपने ऑफिस में बुलाएंगे, उनसे प्रश्न करेंगे कि आप इस तरह लड़की का जिंदगी क्यों खराब की? आप उसके साथ रहना चाहते हैं जी सर, शादी करना चाहते जी सर, हैं? बिल्कुल, मेरा सर पूरी मेरी पूरी लाइफ बर्बाद हो चुकी है सर। मैं उस लड़के की वजह से मैंने घर में कभी शादी के लिए हाँ नहीं किया, मेरे रिश्ते आते थे मैं ना कर देती थी कि नहीं मैं अभी शादी नहीं करूँगी अगले साल, और ये सारी चीज़ें वो जानता है, मतलब अप्रैल मई तक वो रेडी था और अभी 2 महीने के अंदर उसको ऐसा क्या हो गया कि उसने मना कर दिया शादी? वजह ऐसा दिख रहा है आपको? वजह तो मुझे उसकी मैं बता रही हूँ, मैंने मैम नौकरी लगे हुए 18 अप्रैल को उसने ज्वाइन किया है। अच्छा 18 अप्रैल जी मैम, उसके बाद उनका रवैया आपके पति चेंज होने लगा। देखिए कुछ किस तरह के दिमाग लगाते हैं कि जब तक वो पढ़ते रहते हैं उनको पता है कि उनको मनचाहा लड़की नहीं मिलेगी, तो किसी न किसी खूबसूरत लड़की को अपने प्यार के झांसे में मतलब ये करके और उनके साथ अपना गलत जो भी हरकत है वो कर ही रहे हैं। और जब नौकरी लग जाती है
तो एक दहेज जो प्रथा चल रहा है उसको मतलब बढ़ावा देने के लिए, उससे कुछ धन एकत्रित करने के लिए तुरंत लड़की को धोखा दिया जाता है। और फिर क्योंकि नई लड़की आएगी तब ना दहेज लेकर आएगी, ये तो प्रेम करती है, प्रेम में ज़्यादा दहेज भी नहीं दे पाएगी। तो इस तरह के मानसिकता के लोगों को कहीं ना कहीं हम लोग अपराधी माइंड के ही व्यक्ति कह सकते हैं, और ऐसे लोग हाई कोर्ट में जाके बैठ गए हैं। अब आप समझ लीजिए कि वो हाई कोर्ट में किस तरह से पीड़िता लोग को इंसाफ दिलाएंगे, जो जिनकी मानसिकता खुद ही इतनी मैली है। बिल्कुल, बाकी बात देखिए, तुम जो भी हो जहाँ भी हो, हम तो क्लियर बोलेंगे, इस फोटो से यह साफ जाहिर होता है कि हाँ आप लोग रिलेशन में थे, इसके साथ संबंध बनाए हैं, और एक लड़की का जो सम्मान होता है, जो इज्जत होता है, वो जिस लड़के के साथ रह जाती है उसी के साथ उसका जुड़ जाता है। तो ये अब आप ही के साथ रहना चाहता है, उसी लड़के के साथ ये शादी करना चाहता है। बाकी देखिए संगठन में आ जाते हैं इज्जत से, अभी तक मैं कई चीज़ों को पर्दा में ही लेके चल रही हूँ। इज्जत से यदि आप हमारे संगठन में आ जाते हैं हमारे कॉल के दौरान, तो आपका सम्मान किया जाएगा, आपको एक मौका दिया जाएगा सुधरने का। लेकिन यदि आप नहीं आते हैं तो आपके सारे चीज़ों को ओपन किया जाएगा संगठन के माध्यम से, ताकि आप किसी और लड़की का जिंदगी नहीं बर्बाद करें। बाकी बात देखिए, पटना हाई कोर्ट में किसी भी पद पे हो, सबके लिए कानून बराबर है, वो वकील हो या जज हो या फिर DSP हो या SP हो, सबके लिए कानून बराबर है। तो आपको इस चीज़ का तो आइडिया अच्छे से होगा। बाकी बात, अगर आपके अंदर समझदारी है तो अच्छे से समझदारी से आइए, सामने आइए, बातचीत कीजिए। बाकी बात, जो भी अपडेट होगा इस केस का मैं आप लोगों को दूंगा। आप लोग क्या सोचते हैं इस केस के बारे में बताना चाहूँगा। उसकी माँ से मेरी क्या बात हुई है? अच्छा, 20 तारीख बताइए। सर, मेरी उसकी माँ से, मैं जब गई मिलने के लिए तो उसकी माँ से मेरी बहुत सारी बातें हुई। उसकी माँ ने सबसे पहले मुझे 15-20 लड़कियों के फोटो दिखाए। अच्छा, फोटोज दिखाए कि मेरे बेटे के। आपको वो फोटो क्यों दिखाए? मुझे वही तो सर नहीं समझ आ रहा, क्योंकि लड़के ने मना नहीं किया है शादी के लिए घर में, कि मेरी ऑलरेडी है, तुम सब जान रही हो, मतलब जानने के बावजूद भी बात यह इसकी ने ये बोला कि मुझे 20 लाख दहेज मिल रहे हैं, एक गाड़ी मिल रही है और बहुत सारा सोना मिल रहा है। इतना लोभ तो किसी को भी। देखिए, फोटो दिखाने के पीछे इनसाइड एक ऑफर था कि इतनी सारी लड़कियों के तरफ से मुझे 20 लाख रुपए का ऑफर आ रहा है, यदि तुम 20 लाख रुपया अरेंज कर लेती हो तो तुम्हें भी मौका। 20 लाख बोल रही खर्च कर दी उसकी। नहीं, खर्च कर दी ना, लेकिन अब उसकी माँ का देखिए इनसाइड होकर मांग रही है फोटो दिखाना, ताकि लड़की अपने तरफ से बोल दे कि हाँ, मैं भी अपने पापा और मम्मी से आपको 20 लाख रुपया दिलवा दूंगा और मुझसे ही अपने बेटे का शादी करवा दीजिए। तो देखिए किस तरह के मानसिकता के, मतलब सौदागर, बेटे को जन्म से पाल पोस के बड़ा करना है और एक सौदा कर अपने बेटे को किसी के हवाले बेच देना है। देखिए यहाँ साफ जाहिर होता है, कोई भी, आप भी अगर यह वीडियो देख रहे हैं तो आप भी इस चीज़ को समझ रहे होंगे। जब तक उनका जॉब नहीं हुआ था तब तक तो हाँ ठीक है, उनके लिए ये काबिल थे, अभी भी काबिल हैं, लेकिन अब उनको लोभ हो गया है, और उनको नहीं, उनके मम्मी पापा को भी सबसे ज़्यादा लोभ हो गया है कि कहीं और शादी करेंगे, 20 लाख दहेज मिलेगा, गाड़ी मिलेगा, ज्वेलर्स मिलेगा। तो बस इंसानियत कहाँ तक क्या है वो दिख रहा है। बाकी बात देखिए इसके बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट कर अपना राय जरूर दीजिएगा। जो भी अपडेट होगा मैं आप लोगों को दूंगा। चाहिए।